हेलो दोस्तों, आज की बहुत बड़ी खबर आ रही है जो बिहार शिक्षक बहाली से ही संबंधित है। बीपीएससी टीआरई 2.0 के पूरक परिणाम को लेकर बहुत बड़ा हलचल तेज हो गया है। कुल 14,762 पदों के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी टीआरई 2.0 में निकाला जाएगा। शिक्षा विभाग ने रिक्तियाँ भेजी है, पूरक रिजल्ट बहुत जल्द आएगा। 1,22,000 पदों के लिए ली गई थी दूसरे चरण की परीक्षा। दूसरे चरण में जुड़े गए थे पहले चरण के रिक्त 50,263 पद। ठीक है दोस्तों, और नियुक्ति पत्र जो है आप सभी को मालूम है कि नियुक्ति पत्र जो है 13 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पटना के गांधी मैदान में 25,000 सफल शिक्षक अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। जबकि उसी दिन प्रत्येक जिला में जहां गांधी मैदान का प्लान नहीं होगा जाने का, वहां उस ज़िले में एक निर्धारित जगह पर उसी दिन 3 बजे के बाद, जब मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान पटना में नियुक्ति पत्र थमा देंगे, उसके बाद बांटा जाएगा। पहले चरण में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई थी। देखिए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं। दूसरे चरण की नियुक्ति में 14,762 अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग के दूसरे चरण के लिए पूरक रिजल्ट निकालने को लेकर पत्र भेजा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही आयोग पूरक रिजल्ट जारी करेगा। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने भी ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है। दूसरे चरण के लिए पूरक रिजल्ट निकाला जाएगा और हमारे बीपीएससी के चेयरमैन सर द्वारा कल ही ट्वीट के माध्यम से बताया गया कि पूरक रिजल्ट पर काम चल रहा है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दूसरे चरण में 14,762 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एक से अधिक स्तर के शिक्षक परीक्षा में सफल हुए हैं, पर शिक्षक किसी एक ही जगह पर काउंसलिंग में उपस्थित हुए हैं। ऐसे में इतने पद पर पूरक रिजल्ट निकालने की तैयारी है। इस तरह विभिन्न कोटि के जो अभ्यर्थी कुछ अंकों से सफल होने से वंचित हो गए हैं, उन्हें पूरक रिजल्ट में सफल होने का मौका मिल सकता है। मालूम हो कि आयोग के द्वारा पहले चरण की नियुक्ति में भी पूरक रिजल्ट जारी किया गया था। पहले चरण के पूरक रिजल्ट में 2772 अभ्यर्थी सफल हुए थे। दूसरे चरण की नियुक्ति में 1,22,000 पदों के लिए आयोग ने परीक्षा ली थी। इनमें 92,000 से अधिक अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जिलों में 26 दिसंबर से चल रही है। 70,000 से अधिक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पूरी भी हो चुकी है। पूरक रिजल्ट में सफल अभ्यर्थियों की भी काउंसलिंग इसी तर्ज पर संबंधित जिले में की जाएगी। ठीक है दोस्तों, नियुक्ति पत्र वितरण का जो समारोह है वह गांधी मैदान में ही किया जाएगा। तैयारी शुरू कर दिया गया है और आप सभी को 13 जनवरी को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि उस दिन सभी के हाथों में ज्वाइनिंग लेटर होगा। द्वितीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के लिए जारी होगा पूरक परिणाम, जो सारे पेपर में प्रमुखता से छपा गया है, चाहे वह जागरण हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे प्रभात खबर हो, चाहे दैनिक भास्कर हो। और 2018 के रिपोर्टर रजनीश कुमार के माध्यम से भी यह खबर मिले कि पूरक रिजल्ट 20 जनवरी से पहले आने की उम्मीद है। बीपीएससी नियुक्त परीक्षा का पूरक रिजल्ट जारी करेगा। कोचिंग में पढ़ाने वाले स्कूल शिक्षा के प्रचार पर भी होगी कार्रवाई। दूसरे चरण में नियुक्त 25,000 शिक्षकों में सबसे अधिक 8,500 पटना प्रमंडल के होंगे। ठीक है दोस्तों, पहले चरण में 2772 पूरक रिजल्ट दिया गया था, उनका भी नियुक्ति पत्र 13 को ही दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आज की यह बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पूरक रिजल्ट जारी किया जाएगा और गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटने की तैयारी जोर शोर से चल रही है और 1 से 2 नंबर जिनका कट ऑफ से कम है उनका रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है। और थंब इम्प्रेशन का काम भी चल रहा है जिलों में, जिसमें बीपीएससी टीआरई 1 वाले का फिर से जांच हो रहा है। अंगूठा मिलान कि जो परीक्षा में बैठे थे वही व्यक्ति विद्यालय में पढ़ा रहे हैं या कोई और। ठीक है दोस्तों, तो आज की यही बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पूरक रिजल्ट बहुत जल्द आएगा। थैंक्स दोस्तों।